अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार शरीफ के पास भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के पास बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। रविवार देर रात चार हमलावरों ने वाणिज्यिक दूतावास के पास हमला किया। चार में से दो हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया, बाकी दो आतंकियों की खोजबीन अभी भी जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दूतावास में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। वहीं अफगान पुलिस ने बताया है कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमला होने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। अफगान मीडिया के मुताबिक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के पास एक घर पर हमला हुआ और काउंसलेट को अप्रत्यक्ष गोली का हमला झेलना पड़ा। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 25 दिसंबर को काबुल गए थे और इस दौरान उन्होंने अफगान संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया था।